हेलो फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि आज हम जा रहे हैं कपड़ा काटने। आप लोग को दिखा दें कि आज हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे और हमें ब्लाउज सिलना है। फ्रेंड, ले लिए हैं ब्लाउज का कपड़ा। ये रहा अस्तर, ये रहा कपड़ा, और इसको हम अब चल रहे हैं काटने। पास में कैंची भी रख लिए हैं फ्रेंड। फ्रेंड, हम कपड़ा को में मोड़ लिए हैं, अब हम जा रहे हैं इसको नापने। इधर से नापेंगे हम, क्योंकि लंबाई हम नाप रहे हैं। आगे की लंबाई हम 16 इंच ले रहे हैं, क्योंकि हम बड़ा जो जैसे पहनता है, कोई बड़ा पहनता है, कोई छोट पेट पेट के छोट ही पहनता है ब्लाउज, तो हम 15 इंची को काट रहे हैं, क्योंकि अस्तर थोड़ा मीडियम में काटेंगे। हम काट रहे हैं फ्रेंड। ये रही गला, गला हम 2 इंची काट रहे हैं आगे की, और आगे की लंबाई 6 इंची रहती है फ्रेंड, हम 6 इंची काट रहे हैं। गला 6 इंची से ज्यादा नहीं काटना फ्रेंड, इसलिए कि गला आगे का बड़ा रहता है तो अच्छा भी नहीं लगता है। इसको हम छे फ्रेंड, हमने गला को अच्छे से नाप लिया है। अब इधर देखो, हम 3 इंची मुड्ढा को ले लिए हैं, कंधा यानी। अब इसको हम 6 इंची यानी बाज मतलब ले रहे हैं नीचे का चेस्ट। अब ये है, हम 6 इंची लेते हैं, तो जो इसको हम रखते हैं 6 पे। अब इसको हम ले रहे हैं 3 इंची से, यहाँ पर गोलाई पे हमने नाप दिया है। और इसके बाद आ गए हैं हम फिर यहाँ, क्या कहते हैं, चेस्ट पे। चेस्ट हमने इंची टेप से नाप लिया है, 2-2 इंची। यहाँ पे थोड़ा हल्का तिरछा ही लगाते हैं तो अच्छा ही बनता है। और यहाँ भी हमने नाप लिया है तिरछा 2 इंची का, यहाँ भी हमने नाप लिया यहाँ से 2 इंची का, यहाँ से भी हमने 2 इंची ले लिए हैं। और इसको हम सब अच्छे से नाप दे रहे हैं और इसको हम कटिंग कर ले रहे हैं। फ्रेंड, अगर आप ऐसे ही काटेंगे ब्लाउज तो बहुत अच्छा बनता है, क्योंकि हम अपने हाथ से ही सिल के पहनते हैं ब्लाउज। हमारा ब्लाउज एकदम फिटिंग का बैठता है, और कोई इधर उधर काटता है तो नहीं बैठता है, क्योंकि एकदम गोल पे नहीं आता है, क्योंकि हम ब्लाउज पहने हुए हैं। फ्रेंड, ये रही खरी। ऐसे आप लोग भी काटेंगे तो एकदम सरल तरीके से हम आप लोग को ब्लाउज की कटिंग बता रहे हैं। और सभी लोग कहते हैं कि तुम कैसे काटती हो, कि बहुत जल्दी काट लेती हो, कपड़ा भी बच जाता है। अच्छा, हमने इसको काट लिया है। अब यहां से हम एंड अलग कर दे रहे हैं, ये रहा, और ये इसको हम काट के फ्रेंड अलग कर दिए हैं। फ्रेंड, हम आगे का पल्ला, आगे का पल्ला ये है फ्रेंड, और पीछे का पल्ला ये है, क्योंकि हमने गला अच्छे से काट लिया, एकदम गोल गला, लोग देख सकते हैं। इसको हम इधर रख दें, अब निकाल रहे हैं बाजू। फ्रेंड, हम अपने बाजू के इसलिए कि हमें इसको तुरपाईदार तुरपाई यानी पीछे की तरफ से मुड़ के बनाना है, तो हमने 5 इंची का बाजू बना रहे हैं और 5 इंची का अस्तर काट रहे हैं। तो हमने इसको एकदम गोलाई में एकदम नाप लिया है, यहाँ 5 लिए हैं, यहाँ 4 लिए हैं, और इसको अच्छे से हम अब हम एकदम हमारा इसको हमारा ये कटिंग हो गया है। कटिंग हमारा ब्लाउज की बाजू की हो गई है फ्रेंड, लोग देख सकते हैं एकदम गोलाई में आ गया है। अब इसको, क्योंकि हम पीछे का जो रहता है थोड़ा
फ्रेंड, इसी तरह हम पहले अस्तर को काटे थे, अब इसके बाद हमने कपड़ा को बिछा के और इसी तरह हम कपड़ा के को काट लेते हैं। फ्रेंड, कपड़ा कैसे हम काट लेंगे, फ्रेंड हम कपड़ा को काट लिए हैं, अस्तर भी कट गया है और पीछे का आगे का पल्ला दोनों कट गया है, बाजू भी कट गई है। अब ले इसको लेके चल रहे हैं मशीन पर बैठने के लिए, अब सिल रहे चल रहे हैं सिलने। वीडियो में बने रहना फ्रेंड, दिखाते हैं आपको हम कैसे सिलते हैं। फ्रेंड हम कपड़ा काट लिए हैं, अब हम कपड़ा सिलने बैठ गए हैं क्योंकि अब हम जल्दी से कपड़ा ब्लाउज बना लें, क्योंकि फ्रेंड 1 घंटे सिलने में ही लग जाता है ब्लाउज, अस्तर वाला ब्लाउज, क्योंकि अच्छे से जोड़ के सिलो तो 1 घंटा लग जाता है। हम तो 1 घंटे में बना पाते हैं फ्रेंड। दूसरी बाजू को भी बना ले रहे हैं, एक बाजू हमारी तैयार हो, दोनों बाजू एकदम तैयार हो गई, आप लोग देख सकते हैं अभी लेस लगाना बाकी है। और ये पीछे का पल्ला आगे का पल्ला भी हमारा एकदम रेडी हो गया है, एकदम अंश नहीं था इसलिए आप लोग के लिए इसको वीडियो नहीं बना पाए थे, कोई मोबाइल पकड़ने वाला नहीं था। और हमारा तो ब्लाउज एकदम बन के आप लोग देख सकते हैं रेडी है, बस इसको हम जोड़ दें बस बाहियों के लिए। फ्रेंड हमारा एकदम ब्लाउज बन के एकदम रेडी हो गया है, क्योंकि हमने सिलाई कर ली है, अब काज बटन भी हो गया है। और देख लीजिए आप लोग देख सकते हैं कि हमारा ब्लाउज एकदम बन के रेडी हो गया है फ्रेंड, एकदम आप लोग देख सकते हैं। कमेंट में जरूर बताना फ्रेंड कि हमारा ब्लाउज कैसे लगा, कैसे सिलते हैं, कैसे सिलाई है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट करना, चैनल पे नए हो तो चैनल पे प्लीज करके सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।